संजीव जी, आप आगे बढ़ें, इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, उससे पहले बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई एक भजन जो हमारी इस बातचीत में एक नया रंग डाल दे, थोड़ी सी सुरों की, थोड़ी सी स्वरों की और थोड़ी सी रागों की महक जो आ जाए, तो एक कोई भजन आप सुना दें तो फिर इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। एक हिंदी भजन सुनाता हूं, मेरी खुद की रचनाएं हैं और मेरी काफी सारी बंदिशें या हिंदी और मराठी संत रचनाएं मेरी वेबसाइट है sanjeevabhyankar.com, उस पर फ्री डाउनलोडेबल है आप सबके लिए, 14 घंटे का मटेरियल है। और ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये सब रचनाएं हैं। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताई के रंग में भीजे, ताई के रंग में भीजे, ताई के रंग में भीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। बातचीत का वो किस्सा अगर नहीं आएगा हमारी आपकी बातचीत में, तो संभवतः बातचीत अधूरी लगेगी। जब जसराज जी ने आपकी तरफ इशारा किया और फिर जब आप गाना शुरू किया आपने, तो फिर आप इतना गाए कि हॉल में तालियां बजने लगी, और फिर जसराज जी ने भी अपनी महानता दिखाई कि वहीं पर उन्होंने उस राग को खत्म किया। क्या था वो किस्सा संजीव, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। ये जो प्रोग्राम है वो नागपुर में हुआ था 1991 में, और उसकी याद ऐसी है कि उस प्रोग्राम में मैं फर्स्ट टाइम नागपुर में गया था गाने के लिए। तो ऑफकोर्स टीवी पे तब तक मैं आता था, तो लोगों ने मेरा गाना टीवी पे सुना हुआ था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कहीं नहीं, कभी नहीं सुना था। और मेरे एक सीनियर गुरु भाई उस वक्त गुरुजी को वोकल सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने कहा मुझे कि बेटा पहला राग उनको गाने देना, तुम बाद में शुरू हो जाओ। तो मैं चुप बैठा था, वो मियां मल्हार राग चल रहा था, और ऑलमोस्ट एक घंटा गुरुजी ने गाया, और तब तक मैं एकदम बेचैन था, क्योंकि स्टेज पे बैठ के आपको गाना नहीं है ना तो बहुत तकलीफ होती है। सामने बैठ के किसी का सुन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेज पे बैठ के बिना गाए मुश्किल होता है। तो मेरे चेहरे पे शायद वो दिख रहा था कि मैं बहुत बेचैन हूं। तो गुरुजी ने एकदम, जैसे उनकी ताने चल रहे थे फोर्स में, तबले के साथ एकदम भिड़ी हुई अच्छी मियां मल्हार की ताने हो रही थी ऐसे, बरसन गिरे बरसन गिरे, तो इसमें ये फोर्स में सब रंग भरा था, और मेरा चेहरा देख के, क्योंकि मैं एकदम से अपसेट था, मैं गा नहीं रहा हूं, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे पीछे इशारा किया कि इसके डबल में जाओ। तो मैंने लंबी सांस ली और ऐसे एकदम इतनी लंबी तान
ज्यादा लंबी, दुगुनी से भी ज्यादा लंबी तान मैंने ली उसमें, और एकदम हॉल ऐसा तालियों से इतना गूंज पड़ा, तो ऐसे क्लाइमैक्स आ गया जैसे उस राग का। तो गुरुजी के मन का बड़प्पन ये था कि उन्होंने उधर खत्म कर दिया, भरे जन लागे भरे जन लागे भरे जन लागे, और इतने खुश थे, स्वरमंडल नीचे रखा और मुझे पीछे ऐसे गले लगाया। तो ये स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिम एज अ म्यूजिशियन, कि स्टेज पे कोई वोकल सपोर्ट करे और उसको इतने प्यार से दाद देना। एक तो गुरु एज अ गुरु ऑल्सो ये बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जिस जमाने से गुरु जी थे उसमें ऐसी दाद देना भी बहुत रेयर था, मैंने तो कहीं नहीं देखा, और इतनी अच्छी तरह से देना तो और भी ज्यादा मुश्किल। एक मेरी व्यक्तिगत अपनी गुजारिश है, माचिस फिल्म में जो आपकी प्लेबैक सिंगिंग थी, वो विशाल जी के साथ काम करना और उसके बाद उस गाने का कुछ जो आपके दिल के करीब हो। मैंने पहला जो प्लेबैक किया वो फिल्म माचिस के लिए एक आलाप किया था, लता मंगेशकर जी का एक गाना था, तुम गए सब गया, तुम गए सब गया, तुम गए सब गया, जैसे थोड़ा दर्द भरा गाना था, और उसमें बीच में एक भटिया राग का आलाप था जो उसमें उनको सुबह दिखानी थी कि अभी तो पॉजिटिविटी आई है करके। तो मुझे उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज जी का फोन आया, ये बात है 95 दिसंबर की। तो मैं बंबई में था, शादी के लिए गया था, मेरे रिलेशन में शादी थी, दूसरे दिन सुबह शादी थी। तो मुझे विशाल जी ने कहा कि संजीव जी मैं आपका गाना बहुत पसंद करता हूँ और एक आलाप करना है लता मंगेशकर जी के गाने में, तो कल सुबह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि विशाल जी मैं तो शादी के लिए आया हूँ, कल सुबह तो मुझे 10:30 बजे तो मुहूर्त है, तो मुझे उधर रहना चाहिए, तो कल परसों कर सकते क्या? उन्होंने कहा नहीं संजीव, उसी के लिए रुक गया है, यहाँ आलाप करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन आपके जैसा आलाप मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे आपसे ही करवाना है। तो मैंने उनको कहा फिर कल सुबह 8 बजे हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ 8 बजे करेंगे, वेस्टर्न आउटडोर्स में करेंगे, 8 बजे करेंगे। लेकिन मैंने कहा मेरी और एक, उन्होंने कहा छोटा सा आलाप है, लेकिन मैंने कहा वो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक प्रॉमिस करें कि उसमें इनले कार्ड में लता मंगेशकर और संजीव अभ्यंकर ऐसा नाम आएगा तभी मैं आऊंगा इतने सुबह सुबह। तो बोले नहीं नहीं बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है, लता मंगेशकर एंड संजीव अभ्यंकर ऐसा नाम आएगा। तो ऐसा आया माचिस के जो कवर में लता जी के साथ नाम आया मेरा। और ये लोग ऐसे है ना कि हमारे लिए सरस्वती का रूप है लता मंगेशकर, तो उनके साथ जुड़ जाने का एक अजीब मौका मुझे मिला। लेकिन उसके बाद विशाल जी ने मुझे पूछा कि संजीव तुम्हारी आवाज में पिक्चर के गाने भी अच्छे लगेंगे, तुम गाओगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं गाना है। तो संशोधन फिल्म के लिए एक एकदम राजस्थानी धरती के फोक गाने मैंने गाए, मारे आंगन लक्ष्मी पधारी रे हे हे हे, मारे आंगन लक्ष्मी पधारी रे हे। शादी की जो बारात होती है उसका गाना था। तो उन्होंने बाद में मुझे गॉड मदर फिल्म के लिए जो मुझे नेशनल अवार्ड मिला वो गाने के लिए पूछा, सुनो रे भैला, वो मैंने YouTube पे है, आप सुन लीजिए उसको। तो वो भी एकदम एक फोक टाइप का गाना है, उसमें जो आवाज का लगाव है वो अलग है। लेकिन इन सब चीजों से बाद में मैंने फिल्म बनारस के लिए भी टाइटल ट्रैक गाया, फिर काफी सारे और भी गाए, मकबूल फिल्म के लिए गाया, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी गाए मैंने, एक किनले का बहुत फेमस आया था एड था, बूंद बूंद तेरी बूंद बूंद में है यकीन, तू जल तू नीर पानी। तो उसमें मुझे एक बात समझ में आया कि फिल्मों में या प्लेबैक जब आप करते हैं, इवन सीरियल्स के टाइटल्स के लिए भी गाया मैंने, महायज्ञ करके आई थी, काफी सारा अलग अलग प्रकार का गाया, कि वहां पे आप दूसरे की कल्पना को सत्य में उतारते हैं। अब उन्होंने जो विजुअलाइज किया होता है संगीतकार ने, तो उसको आपके वॉइस
डिलीवरी के माध्यम से सत्य में उतारते हैं। और जब मैं ख्याल गाता हूँ, जिसको हम क्लासिकल बोलते हैं, वो ख्याल है एक्चुअली करेक्ट वर्ड, तो ख्याल में मेरी खुद की कल्पना विलास होती है। तो मतलब एज अ क्लासिकल आर्टिस्ट आई नीड टू बी हाईली क्रिएटिव, मेरी खुद को मुझे विजुअलाइज करना पड़ता है और उसको मुझे एग्जैक्टली वैसा डिलीवर करना पड़ता है जो मेरे दिमाग में है। और प्लेबैक में क्या आपका लिमिटेड रोल है, आप दूसरी किसी की कल्पना को अंडरस्टैंड करके उसको वो खुद नहीं सत्य में उतार सकते, तो एज अ सिंगर आप उसको न्याय देते हैं। ये दो कंप्लीटली अलग अलग भूमिकाएं हैं। क्लासिकल की भूमिका बहुत वाइड है और प्लेबैक की भूमिका कंपैरेटिवली इसके तुलना में छोटी है, लेकिन गाने हर प्रकार के अपनी जगह पे खुशी ही देते हैं और कुछ सिखाते ही है और आनंद देने का ही काम करते हैं। इट्स ओनली द मैटर ऑफ कि आपका रोल किसमें क्या है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।